हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय कंप्लीट फंड्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो इफ़ यू आर अ बिगनर और ऑलरेडी प्रिपेयरिंग और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ्स में आप अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और आप किस तरह से अपने मैथ्स के मार्क्स बढ़ा सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें जो मैथ्स है उसमें प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करनी होती है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वांट्स का सेक्शन जो है प्री और मेंस में बहुत अलग अलग लेवल पे आता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको प्री के लिए अलग प्रिपेयर करना चाहिए और मेंस के लिए अलग प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो इस तरह से पूरा अलग नहीं कहूँगी, बट या देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्री एंड मेंस लेवल क्वेश्चंस। सो उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्री में मैथ्स आता है वो बेसिकली स्पीड मांगता है, लाइक आपको बहुत स्पीड में अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बट इन मेंस आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्स का लेवल अलग होता है, इसलिए मैथ्स की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो दोनों लेवल पे बहुत अलग अलग होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि मैंने किस तरह से दोनों लेवल्स के लिए अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन की थी और आप किस तरह से अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं टू गेट द गुड मार्क्स। सो सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्ज़ाम्स की। तो प्रीलिम्स में हम सभी जानते हैं कि जो स्पीड मैथ्स होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। स्पीड मैथ्स में मैं सबसे पहले बात करूँगी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, इसके जो 5-5 क्वेश्चंस आते हैं वो दोनों, एंड डीआई, और इसके बाद में जो एक चीज़ है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्री में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उनका लेवल बहुत कम होता है। तो इस लेवल की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। सो ये आपका स्पीड टेस्ट होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये अपने माइंड में बना लेना है कि आपको प्री की प्रिपरेशन कंटिन्यूसली करते रहना है, लाइक डेली बेसिस पे। ये सब करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स और 1 आवर लगेंगे। अगर आप बिगनर है और आपने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो मे बी इट विल टेक 60 मिनट्स और 120 मिनट्स। बट अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है और आपकी अच्छी स्पीड है, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, टेबल, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। सो अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है और अभी प्रैक्टिस है आपके, तो ये आपके 30-45 मिनट्स में हो जाएंगे। और अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इट विल टेक 60 और 120 मिनट्स फॉर यू। बट बिलीव मी, ये करना वर्थ इट होता है, क्योंकि अगर आपका प्री का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो आपको मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, एंड दैट हर्ट्स द मोस्ट। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस की है, लाइक इन माई 2020 एग्ज़ाम्स, तो मैंने मेंस की बहुत अच्छी तैयारी की थी उस टाइम पे। बट द पॉइंट इज़ कि मेरा एक भी प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ लेस प्रैक्टिस और लाइक स्पीड नहीं थी उस समय मेरी, तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं होते थे और प्री का कट ऑफ मिस हो जाता था। तो ये आपको आपकी स्पीड के लिए हेल्प करेगा, एंड इसको डेली बेसिस पे करके आप अपना प्री का जो है लाइक क्वांट्स का प्री का जो वो है लेवल, उसको आप अपने टच में रख सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड इसमें कम ना हो, तो आप प्री में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और इसके बाद बात आती है मेंस की। सो मेंस में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो है डीआईज का, और डीआईज के लिए आपको चाहिए अरिथमेटिक। सी, इफ यू आर अ बिगनर तो यू शुड फोकस ऑन क्लियरिंग योर बेसिक्स इन अरिथमेटिक्स। और इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप कोई भी वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हैं, जो भी सर आपको पसंद हो। लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे किसी सर का समझ में आता है तो आपको भी उन्हीं सर का समझ में आए। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से सर से पढ़ना है। मैं 2-3 सजेशंस दे सकती हूँ, लाइक एक तो लर्निंग कैप्सूल चैनल है, एक करियर डिफाइनर है और एक आशीष अरोड़ा सर है। मैंने इन तीनों को लाइक ज़्यादा फॉलो किया था, बट लर्निंग कैप्सूल के मैं मेंस लेवल डीआई के लिए उसे फॉलो करती थी, एंड करियर डिफाइनर चैनल से मैंने अपने सारे जो बेसिक्स थे वो क्लियर किए थे। एंड आशीष सर से मैं लाइक हाई लेवल जो उनके वो होते हैं ना मेंस के टाइम पे, उनके हाई लेवल डीआई के जो सेट्स आते हैं, मैं आशीष सर के वीडियोस से वो सीखती थी। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इन तीनों को फॉलो करना है, बट ये है कि आपको अपनी नीट के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो करनी है। लाइक इफ़ यू आर बिगनर और आपको अपने अरिथमेटिक के बेसिक्स सॉल्व करने हैं या सही करने हैं, तो आप करियर डिफाइनर चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे सर ने
वन चैप्टर वन वीडियो, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट डाली हुई है, तो उससे आप अपने जो बेसिक्स है वो क्लियर कर सकते हैं। और ये चैनल इतना अच्छा है कि आपके एटलीस्ट बेसिक्स तो इस इन वीडियोस से क्लियर हो जाएंगे, एंड इसके बाद आप लर्निंग कैप्सूल पे जा सकते हैं फॉर मेंस लेवल डीआई। और इसके अलावा आशीष सर जो करवाते हैं मेंस लेवल डीआई, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सी, अब ये जो चीज़ें मैंने बताई है, या आई नो ये सब डिस्कस करते हैं और सबको पता है कि ये चीज़ें करनी होती है, बट एक चीज़ें किस तरह से करनी होती है और आपको इसको किस तरह से रिवॉर्ड करना है अपना टाइम, अब उस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो दिखाने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट की एक बुक दिखाना चाहती हूँ जो मैं मेंटेन करती थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट बुक। इसमें मैं रोज़ लिखती थी कि मुझे आज क्या करना है। तो एज यू कैन सी, ये लास्ट ईयर की है और जैसे 10 अक्टूबर की है ये। तो मैं करंट अफेयर्स भी डेली करती थी, वीकली पीडीएफ से मैं कवर करती थी, वीकली पीडीएफ एंड वीडियो। एंड इसके अलावा देखिए, मैं मैथ्स में प्रैक्टिस सेट में 20 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, 20 में मैं अप्रॉक्सीमेशन के 10 रखती थी और 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करती थी, 10 मिसिंग नंबर सीरीज, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, क्योंकि मेरा नंबर सीरीज बहुत वीक था तो मैं इसके 5-5 की जगह 10-10 क्वेश्चंस करती थी, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, 2 डीआई कंपलसरी आपको करना चाहिए प्री लेवल की, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, प्लस आपको लाइक आपके लूप होल्स पता चल जाएंगे कि आप कौन से लेवल के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो इस तरह से आपको रोज़ 2 डीआई करनी है प्री लेवल की, और एक वर्ड प्रॉब्लम का क्विज आता है। अब आप पूछेंगे कि ये सारे क्विजेज मैं कहाँ से करती थी, तो ये सारे क्विजेज मैं करती थी प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक में आपको बहुत सारे क्विजेज मिल जाते हैं, मिनी मॉक करके आई थिंक फ्री क्विज में आप जाना, मैंने इसके पहले भी वो आपको दिखाया हुआ है कि आप प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विज में कैसे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस मॉक में जब आप फ्री क्विज में जाएंगे तो वहाँ आपको लाइक स्मॉल क्विजेज मिलेंगे, 10-10 मिनट्स के होते हैं ये, तो आप वहाँ से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और मेंस डीआई वीडियो में पहले स्टार्टिंग में देखती इसकी जो डीआई थी, जो मैं लाइक वीडियोज से मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, उन्हीं वीडियोज से मैं कवर करती थी। तो इस तरह से मैं अपनी लाइक ये मेरी स्टार्टिंग की प्रिपरेशन है 10th of October की, एंड यू कैन सी मैं इसी तरह से अपना डेली अपना टू डू लिस्ट बनाती थी और उसे फॉलो करती थी। तो यू शुड ऑल्सो डू दिस, इससे आपको चेक रहता है कि आप अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर सेल्फ सम बूस्ट कि हाँ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने लिए नोट्स भी लिखती थी, एंड मेंस की डीआई वीडियोज़ और आशीष शर्मा सर के पीडीएस वगैरह सॉल्व करना काफ़ी अच्छा होता है। लाइक बिलीव मी, अब जब स्टार्टिंग में मेंस की वीडियो डीआई लेके बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, प्लस आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसे सॉल्व हुई है। सो उसके लिए आप पहले वीडियो सोर्स के साथ उसे सॉल्व करना सीखे, एंड थोड़े टाइम बाद जब आपको कंफर्टेबल फील हो कि यस अब आपकी स्पीड, मतलब आप कंटेंट तो समझ जाते हैं कि इस डीआई में पूछा क्या है, देन यू शुड गो फॉर कि आप पीडीएफ निकालो किसी भी एजुकेटर की, लाइक सब मैथ्स के लिए, मेंस के लिए काफ़ी डीआई वगैरह कराते हैं, तो आप उनकी जस्ट पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं मेंस के लिए। मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सिर्फ जो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना है एक बार, एंड देन उनको बहुत ज़्यादा लाइक प्रैक्टिस करना है मेंस लेवल की क्वेश्चंस को। और इस तरह से यस, मैं टेस्ट वगैरह भी देती थी तो मैं उसके मार्क्स वगैरह भी लिखती थी, एंड इस तरह से आप अपने आप को सेल्फ नोट्स दे सकते हैं। सो दिस इज़ द राइट वे टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। और ऐसा नहीं है कि हर दिन सेम होते हैं, एज यू कैन सी कुछ कुछ दिन में आप बना लेते हो बट आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो, सो ये भी होता है। और इसके बाद तो आई थिंक मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और इसके अलावा मैथ्स में अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मैंने आपको प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विजेज बता दिए, आप वहाँ से अपने क्विजेज लगा सकते हैं, 10-10 मिनट्स के क्विज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। एंड मेंस के वीडियो के लिए मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, यू कैन फॉलो दीज सोर्सेज और यू कैन फॉलो एनी अदर सोर्सेज विच यू थिंक इज़ परफेक्ट फॉर यू। एंड सी, मैथ्स इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके प्लस पॉइंट्स आ जाएंगे, उसमें आपको नेगेटिव नहीं आएगा, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, आपसे सॉल्व होगा, आपको आंसर दिखेगा, और आया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि आप गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो मैथ्स में की गई प्रैक्टिस आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। लाइक रीजनिंग में ऐसा होता है कि आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आपने जो पज़ल बनाई है वो एग्जैक्ट सही है या नहीं है, बट मेंस लेवल पे जब आप डीआई सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आपने सही सॉल्व किया, क्योंकि एक दो आंसर्स आपके जब मैच हो जाते हैं कि हाँ हाँ सही है, तो आप
लाइक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि हाँ आपने सही सॉल्व किया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अपने नोट्स भी बता देती हूँ कि मैंने अपने मैथ्स के नोट्स किस तरह बनाए थे। सो दीज आर माई नोट्स फॉर मैथ्स, आप देख सकते हैं। सो मैंने काफ़ी तरह के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए और लाइक मैं हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वहाँ पे लाइक ये इस तरह से जो मेथड यूज़ हुई है उसको इस तरह से पॉइंटर्स बना के रख लेती थी। तो जैसे आप जब एग्ज़ाम टाइम में आप इनको रिवाइज़ करें, क्योंकि आप हर बार तो लाइक पूरा चैप्टर उठा के नहीं खोल सकते, तो जब भी आपके एग्ज़ाम होगी तो आप इस तरह से अपने पॉइंटर्स पढ़ के लाइक बहुत जल्दी अपना चैप्टर आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और मैं हर चैप्टर के बाद ऐसे 2-3 पेजेस अपने रफ रखती थी, ताकि अगर उस चैप्टर का कोई नया टॉपिक या नया क्वेश्चन आता है जिसे मुझे लगता है कि लाइक ये अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा है ऐसे क्वेश्चन का, तो मैं उसे यहाँ पे नोट कर लेती थी। तो इस तरह से आप भी अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं इफ़ यू आर बिगनर। तो आई विल से कि आप एक बार अपने नोट्स बना लीजिए, इससे आपको अपने बेसिक्स रिवाइज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड यस, यू कैन वॉच करियर डिफाइनर्स और वन वीडियो वन चैप्टर वाले प्लेलिस्ट, और जिन भी सर का आपको समझ में आता है आप उन सर को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर योर बेसिक्स। सो इस तरह से आप अपनी ये जो नोट्स है वो बना सकते हैं। एंड मैंने मेंस के लिए भी अपनी नोट बनाए थे, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ फॉर माई मेंस प्रिपरेशन, ये तो लाइक हमारे लिए बाइबल है, तो इस तरह से मैं ये सब लिख के रखती थी। एंड ये कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स मैंने लिखे थे, एंड देन ये सारे मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक अरिथमेटिक के, ये वो क्वेश्चंस थे। तो मैंने इस तरह से अपने मेंस के लिए भी अलग से बनाई थी। एंड ये मेरी जो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस है ये वो है, दिस ऐसे इज़ फॉर 0 स्कूल ईयर। तो इस तरह से आप अलग अलग लाइक जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको हर चीज़ हर पॉइंट को लेके चलना होता है। तो दिस इज़ फॉर मैथ्स कि आपको मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। प्री के लिए अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए आप पहले, लाइक इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड योर नोट्स तो एक बार अपने नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप उनको जल्दी से रिवाइज़ कर सकें। देन अपने स्पीड टेस्ट के टॉपिक्स आप डेली रिवाइज़ कीजिए। एंड देन मैथ मेंस की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली आप पहले DI लाइक, क्योंकि आप बेसिक तो इस प्री की प्रिपरेशन के साथ कर लेंगे अपने क्लियर, उसके बाद आप डायरेक्ट मेंस लेवल क्वेश्चन पे जंप कीजिए। उसमें भी पहले आप वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, वीडियो में जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उनके साथ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, उनकी मेथड समझिए कि वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। एंड देन उसके बाद आप लाइक वीडियो सोर्सेज से फिर आप PDF पे जंप कीजिए। सी, वीडियो सोर्सेज आपके लिए तब तक ही ज़रूरी है जब तक आप लाइक उसका बोलते हैं ना क्वेश्चन को समझना नहीं सीख जाते, जब तक आप तब तक आप वीडियो सोर्सेज फॉलो कीजिए। और एक बार जब आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए उस चीज़ को लेके, तो आपको वीडियो सोर्सेज को बहुत ज़्यादा रिग्रेसली फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको फिर उनकी PDFs डाउनलोड करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा खुद से करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा इंप्रूव होंगे और आप उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन Give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.